पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान से न्योता आया है। 28 नवंबर को पाकिस्तान सरकार करतारपुर साहब कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रही है। उसमें शामिल होने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान सरकार की ओर से न्योता आया है। इस पर बोलते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि पाकिस्तान के बुलावे पर जाना है कि नहीं, ये फैसला खुद नवजोत सिंह सिद्धू को करना है। उनके मुताबिक अभी नवजोत सिंह सिद्धू मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन ये जो करतारपुर साहब कॉरिडोर का फैसला हुआ है वो दोनों देशों में अमन शांति का प्रतीक साबित होगा। देखो, उन्होंने फैसला लेना क्योंकि इस मौके वो मध्य प्रदेश ते राजस्थान दे इलेक्शन मुहिम दे विच जुटे हुए है, पर एक बहुत वड्डा मैं समझदा मान उन्होंने है। पहला भी बड़ा उन्होंने खुशकिस्मत सीगे, उन्होंने आ मौका मिलिया, उन्होंने मौके पर जाके गल रखी, उस गल अज जिहड़ा उन्होंने बीज लाया सीगा वो रंग लैके आ रहा है। अज गुरपुरब के इस पावन दिहाड़े ते जदों आ करतारपुर श्री करतारपुर साहब लांघा खुलण की गल हुई है, मैं समझदा कल्ले पंजाब वास्ते नहीं, कल्ले सिखां वास्ते नहीं, कल्ले हिंदुस्तान वास्ते नहीं, दोनों मुल्कां वास्ते, हिंदुस्तान ते पाकिस्तान वास्ते बहुत ही अमन शांति दा एक प्रतीक है। तो मैं समझदा इस तो वड्डी गिफ्ट बाबा नानक जी दे आशीर्वाद नाल सानू होर नहीं मिल सकदी। तरक्की कटेगी दोनों मुल्कां दे विच। मैं समझदा मेरा मानना आ इट्स नॉट ए पैसेज टू श्री करतारपुर साहब, इट्स ए पैसेज टू पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दोनों मुल्कों के आ जोड़ा लांघा है अमन तो शांति का लांघा है। आ एक बहुत ही गुरपुरब के दिहाड़े के उत्ते बाबे नानक जी के आशीर्वाद नाल सानू आ बख्शिश प्राप्त। जागृति लाइव के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।